नमस्कार दोस्तों। दोस्तों रैपिड ट्रेन को लेकर फिलहाल गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इस कॉरिडोर के पहले खंड का उद्घाटन पीएम मोदी 20 अक्टूबर 2023 को करने जा रहे हैं। इसी दिन रैपिड ट्रेन को लेकर और भी कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। दोस्तों पीएम मोदी देश की पहली रैपिड ट्रेन का उद्घाटन करने गाजियाबाद आ रहे हैं। योगी सरकार वेस्ट यूपी के 3 जिले शामली, बुलंदशहर और हापुड़ को भी इस योजना में जोड़ने जा रही है। यूपी सरकार की माने तो यह प्रोजेक्ट पहले चरण में शुरू होंगे। दोस्तों अगर बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो यमुना अथॉरिटी में रैपिड रेल को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में काफी बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक रैपिड रेल की लाइन बिछेगी। गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक रैपिड रेल जाएगी। इसको लेकर जमीन का अधिग्रहण नहीं करना पड़ेगा। खास बात यह होगी कि ये लाइन यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे रैपिड रेल की लाइन बिछाई जाएगी। दोस्तों यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट तक रैपिड रेल चलाने के लिए एनसीआरसीटी से रिपोर्ट बनवाई जा रही है। प्रोजेक्शन में एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने फिलहाल 3 रूटों को बताया है। गाजियाबाद से रैपिड रेल शुरू होगी और जेवर एयरपोर्ट तक जाएगी। दोस्तों बैठक में एनसीआरटीसी ने अपने प्रस्ताव में रैपिड रेल को लेकर गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार से शुरू करने की योजना बताई। सिद्धार्थ विहार से चार मूर्ति 8 किलोमीटर है और चार मूर्ति से कासना 26 किलोमीटर है और कासना से जेवर एयरपोर्ट 28 किलोमीटर तक रैपिड रेल पहुंचेगी। कुल 62 किलोमीटर का रूट होगा। नोएडा एयरपोर्ट के क्षेत्र में 6 किलोमीटर का ट्रैक बनेगा। प्रोजेक्शन में इन रूटों पर मिलने वाले ट्रैफिक का हवाला भी दिया गया। ये रूट 130 मीटर रूट से आएगा। यमुना अथॉरिटी ने विकल्पों को खारिज कर दिया। अथॉरिटी परिचौक से यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे रूट चाहती है। दोस्तों एनसीआरटीसी ने अभी रिपोर्ट पेश की है। कौन से रूट से रैपिड रेल जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एनसीआर प्रॉपर्टी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।